YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। हमने ऐसी प्रतिभाओं को खोजकर पटल पर लाने का प्रयास किया है जो लोग सामाजिक हैं, सात्विक हैं और संत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे सात्विक और सामाजिक व्यक्ति जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको सेवानिवृत्त हुए करीब 10 वर्ष बीत चुके हैं और वे लगातार सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, समाज का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं सेवानिवृत्त अध्यापक श्री यशपाल सिंह जी से, जो उत्तराखंड के जसपुर विकासखंड अंतर्गत गांव सन्यासियों वाला के मूल निवासी हैं। तो गुरु जी बताइए, आप कितने वर्षों से सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बताइए। मैं काफ़ी 10 वर्षों से धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और योग भी मुझको करीब 8-10 वर्ष हो गए हैं, योग बराबर करता हूँ। धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने जीवन के हितकर बना हुआ हूँ, मुझे उसमें बहुत बड़ा हितकर लाभ मिल रहा है। तो शांति कुंज से कितने वर्ष से जुड़े हैं आप? करीब 8-10 वर्ष से मैं शांति कुंज से जुड़ा हुआ हूँ। तो शांति कुंज के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं आप? हाँ, कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। अच्छा, और किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए इसके अलावा? जैसे समदर्शी संस्था है तो उससे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और नहीं, वो धार्मिक जो वो बता रहे थे कथावाचक, अच्छा, स्वामी जी से अच्छा, जो जुड़े हैं। मैं करीब 4 वर्ष से श्री स्वामी श्री नरेंद्र योगी जी सरस्वती महाराज जी से कथा के माध्यम से, जो गायन शैली में और अपने मुखारविंद से बोलते हैं, मैं उनसे 4 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और आप जो काशीपुर ऐतिहासिक मंदिर माँ बाल सुंदरी का जो स्थित है, वहाँ आप जो प्रतिवर्ष प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो किस तरह से आप प्रसाद चढ़ाते हैं, बताइए। मैं सुबह छः बजे तैयार होकर बाल सुंदरी के यहाँ भवन में खोखरे भवन में जाता हूँ और करीब प्रसाद चढ़ा के ही मंदिर में विश्राम करता हूँ। नहीं तो आप पैदल यात्रा करके जाते? मैं पैदल यात्रा करता हूँ और करीब मुझको ये 10 वर्ष मुझको बीत चुके हैं। तो कितने किलोमीटर की लगभग पैदल यात्रा करते हैं आप? पैदल ये करीब 30 किलोमीटर के लगभग पड़ जाता है। अच्छा, तो आप कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, कोई थकन महसूस होती है, लेकिन जब मंदिर में जाता हूँ तो 2-3 घंटे आराम करके शरीर मेरा वैसे ही फ्रेश बन जाता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो समाज का आप मार्गदर्शन करते हैं, तो उससे आपको कैसा महसूस होता? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं जितना धार्मिक कार्य में जुटा रहा हूँ वो मेरे लिए हितकर है। तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? हाँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और करीब 70 वर्ष मेरी उम्र हो गई है। 71 वर्ष में जनवरी 9 वर्ष से चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम
आपसे वार्ता करके बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।